परिवारवाद एक बड़े कोढ़ के तौर पर बिहार में और देश में लोकतंत्र को खोखला कर रहा है। और ये आज की परेशानी नहीं है, अगर आपको याद हो तो 75 में जेपी का जो आंदोलन था उसमें परिवारवाद सबसे बड़ा मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा था, और इससे कोई पार्टी अछूती नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आरजेडी में हो रहा है, कांग्रेस में हो रहा है। आप भाजपा को देख लीजिए, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाई, इनके पिताजी कांग्रेस में मुख्यमंत्री विधायक मंत्री थे, उसके बाद लालू जी का दौर आया तो उसमें भी विधायक मंत्री बन गए, फिर नीतीश जी का दौर आया तो उसमें भी विधायक मंत्री थे, मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी विधायक मंत्री थे। आज भाजपा को भी अपना नेतृत्व बनाना है तो उसी परिवार के कड़ी से बैठा कर किसी को उन्होंने बनाया है। बिहार में मैं एक आपको आंकड़ा दे रहा हूं जो मैं गांव गांव में बता रहा हूं, पिछले 30 साल में जितने लोग यहां एमपी एमएलए बने हैं, चाहे जिस दल से बने हों, सबकी सूची अगर आप बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि 1250 परिवार के लोग ही बिहार में एमपी एमएलए बने। ये परिवारवाद का असर है। आप पार्टियों से मत देखिए इसको, आपको हमको जनता को लगता है कि अब इनको हटाकर दूसरे को लाए। होता यह है कि जो जिस पार्टी का जिस नेता का दौर होता है उसमें उसी परिवार के लोग फिर घुस जाते हैं, उन्हीं को जगह मिल जाती है। बिहार में की आबादी है 13 करोड़, 3-3.5 करोड़ परिवार वाले यहां परिवार रहते हैं, लेकिन सत्ता में एमएलए एमपी आज तक सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही बने हैं। तो परिवारवाद मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इससे कोई दल अछूता नहीं है। ये जब तक बिहार में समाज में लोग खड़े होकर अपने दम पर इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप देखेंगे विधायक का लड़का विधायक, मंत्री का लड़का मंत्री, उसमें काबिलियत हो या न हो, और समाज का सामान्य वर्ग का जो आदमी है उसमें चाहे जितनी काबिलियत है, जितनी हुनर है, जितना जज्बा है, उसको आगे आने का अवसर नहीं है।